सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना इन सुनहरी वादियों में बन रहा है। हाय, ये देखो पीछे नज़ारे देख सकते हो आप लोग। और ये ब्लॉग सुबह वैसे तो शुरू हो गया था 7:15 बजे, बट पता नहीं मैंने डाला है नहीं डाला है, बट यार सुबह 7:15 बजे का चला हुआ और अभी भी 80-90 किलोमीटर बाकी है सफर, ठीक है। और ये नज़ारों को मैं कैसे स्किप कर सकता था यार, कैसे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन नज़ारों को कैप्चर करा जाए, तो आप लोग भी देख लीजिए। आगे मिलते हैं और अभी कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूं मैं। तो गाइस, आज का मेरा सफर हो चुका है शुरू और मैं सुबह से चल रहा हूँ, अभी पहुँच चुका हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे यार नज़ारे देखो, A1 वो नीचे देखो, और इसी के साथ साथ ये पूरा पहाड़ देखो। यहाँ पे ना पूरी बर्फ पड़ जाती है, पूरा बर्फ से सफ़ेद जाता है, बहुत दूर देहरादून दिख रहा है। ये रही मेरी गाड़ी, अभी उत्तरकाशी तक का पूरा सफ़र बाकी है, तो चलिए सीधा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। गाइस देखो, देहरादून से सुबह 7:15 बजे चलने के बाद अभी पहुंच रहा हूं मैं सुबह खोली पे, और धूप अच्छी तरीके से आ चुकी है। और ये रही अपनी धन्नो जिसपे सफ़र शुरू हो रखा है, और चारों तरफ के नज़ारों के आप मज़े ले सकते हो, कितना ही बढ़िया। जहां देखो वहां आए हाय आए हाय, इतना बढ़िया। लेकिन अभी सफ़र बहुत ज़्यादा बचा हुआ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सफ़र को आगे शुरू करते हैं। वो नीचे गांव दिख रहा है, वहीं से ऊपर सड़क जा रही है, उसी सड़क पे होते हुए मुझे जाना है अपनी मंजिल की तरफ, तो मिलते हैं आगे। हाँ तो यार देखो, मार्केटिंग जॉब का ना एक फ़ायदा बताता हूँ। कि मतलब कहीं बाहर ड्यूटी रखती ना, जैसे मेरी आज उत्तरकाशी और चंबा की लगी है, तो मैं अभी उत्तरकाशी के लिए निकला हूँ। और जो मतलब ये अगर उत्तराखंड में रहते हुए बाहर की ड्यूटी लगती है ना, तो यार एक सलाह है, मिस मत करना, चले जाना। क्योंकि ये चीज़ें जो घूमने को मिलेगी ना, वो कहीं और किसी और जॉब में मिलेगी ही नहीं है। मार्केटिंग लाइफ में एक चीज़ यही आप फ़ायदा उठा सकते हो, बाकी तो टेंशन यार हर जगह देखो, तो क्यों ना जो पल मिले उनको जिया जाए। और बेहतरीन, बहुत ही तगड़ी चीज देखो, पहाड़ों में वो गाड़ी जा रही है ना, और पहाड़ों में बारात जब जाती है ना ऐसी रोडों से, आए क्या ही सीन होता है, क्या बताऊं तुम लोगों को। और प्लस ये नज़ारे ये कैप्चर कर लो, और अगर तुम थोड़ा सा बरसात के टाइम पे आते हो, बरसात इन द सेंस जब यहाँ पे पूरा ग्रीनरी होगा ना, तो सोचो ये क्या ही नज़ारे दिखते होंगे, तुम इमेजिन करके सोच सकते हो। अगर रहा मेरा टूर लगता ही रहा, तो बिल्कुल मैं उन नज़ारों को भी कैप्चर करूंगा, फिलहाल के लिए आए हाय इतना सा देख करके अपने आंखों को सुकून दो यार। तो ये नज़ारे दिखाने के लिए मुझे धन्यवाद, जितना तुम बोलो उतना तुम्हारे लिए कम है, ठीक है। और मेरे लिए भी ऐसे ही नज़ारे मिलते रहेंगे आगे, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करनी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, और मिलते हैं आपको अगले किसी और मोड़ पे, क्योंकि पहाड़ों में हर मोड़ के बाद एक नया मोड़ तो आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सफर को। यार देखो, जैसे जैसे सफर में आगे बढ़ रहा हूँ ना, और जो मंजिल की तलाश में सफर का जो ये मजा आ रहा है ना, आए हाय क्या बताओ यार। ये रोड देखो और ये नज़ारे देखो, और वो सामने अगर तुम लोगों को दिख रही है, जूम करता हूँ, नदी देखो, मतलब इसके किनारे किनारे चलते चलते तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, बट स्वर्ग नहीं जा रहे, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ मैं जरूर जा रहा हूँ। और
क्या ही बोलो, जो दिल से खुशी हो रही है ना रस्त, अरे यार बता नहीं सकता मैं। एक फ्रेंड को भी साथ में लाना था बट किसी वजह से वो नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में वो जरूर आएगा। अभी के लिए मैं सिंपल सोलो राइड, चलिए आगे चलते हैं। और जो ठंडा हो रहा ना, ठंडा क्या बताओ, जितनी भयंकर तरीके से ठंड लग रही है ना, चेहरे को देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना ठंडा हो रहा है, पूरा लाल हो रहा है। हम गोरे लोग हैं, हम काले नहीं होते, हम लाल ही होते हैं, क्या करें।